हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू स्पीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रेलवे और भारत का भूगोल से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक नंबर, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? विश्व स्तर पर है अमेरिका, ऑप्शन डॉग। दो नंबर, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 में, ऑप्शन बी। चली थी 34 किलोमीटर मुंबई से थाड़े के बीच। तीन नंबर क्वेश्चन, नंबर तीन, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 3 फरवरी 1925, ऑप्शन ए। चार नंबर, पहला रेल अधिनियम कब बना? पहला रेल अधिनियम बना था 1890 में, ऑप्शन बी। पाँच नंबर, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेल उपक्रम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर छ नंबर, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डॉग। सात नंबर, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में, ऑप्शन डॉग। रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था 1905 में, राष्ट्रीयकरण हुआ 1950। आठ नंबर, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? कोलकाता में, ऑप्शन डॉग। कब? 1984 में, 24 अक्टूबर 1984। नौ नंबर, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924-25, कमेटी कहेगा तो एकवर्थ कमेटी था। दस नंबर, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। ग्यारह नंबर, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? 17, ऑप्शन ए। बारह नंबर क्वेश्चन, नंबर बारह, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर, ऑप्शन सी, जिसका लंबाई है 1355 मीटर। तेरह, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? मुगलसराय, ऑप्शन सी। चौदह नंबर, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन डॉग। पंद्रह, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 18। भारतीय रेल के लोगों में कहेगा कितने तारे हैं? 17। कितने रेलवे जोन हैं? 18। सोलह नंबर, रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 16 अप्रैल को, क्योंकि पहली बार 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली थी मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर, 16 के सी। 17 नंबर, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, तमिलनाडु, ऑप्शन बी। 18, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा, ऑप्शन डॉग। 19 नंबर, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी रेल जोन कहेगा तो गोरखपुर, ऑप्शन बी। अब पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर, ऑप्शन डॉग। 21 नंबर, भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? मुंबई, ऑप्शन ए। 22 नंबर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालेगांव, ऑप्शन ए। 23, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर, ऑप्शन ए। 24, विद्युत इंजन रेलवे का निर्माण कहाँ पर होता है? चितरंजन, ऑप्शन डॉग। 25 नंबर, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? 1882 ईस्वी में आरपीएफ का, सीआरपीएफ कहेगा तो 1939, CISF 1969, RPF 1882, ऑप्शन बी।
26 नंबर, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? ममता बनर्जी, ऑप्शन डॉग। 27, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी, ऑप्शन सी। 28 नंबर, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत या राज्य में स्थित है? पंजाब में, ऑप्शन ए। 29 नंबर, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? 1969, ऑप्शन सी। 30 नंबर, द्वितीय श्रेणी में के शयनयान कोच में कितने बर्थ होते हैं? 72 या 78, ऑप्शन डॉग। 31, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? 1994 में, ऑप्शन बी। 32 नंबर, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन ए। 33, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे के, ऑप्शन सी। 20 में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में। 34 के सी, इंग्लैंड। 35 नंबर, कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीनों। कोंकण रेलवे से चार राज्य को लाभ मिलता है, एक तो है केरल, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। 36 नंबर, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ है? दिल्ली मेट्रो 2002, कलकत्ता मेट्रो कहेगा तो 1984। 37, भारत में रेलवे कर्मचारी के भारतीय के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए हो गए हैं। भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं? 21, जून है 18 और लोगों में तारा है 17 और रेलवे भर्ती बोर्ड 21। 38 नंबर, IRCTC का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म बताना है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए। 39 नंबर, 39, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? मुंबई, ऑप्शन डॉग। 40, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? कपूरथला में, ऑप्शन डॉग। कपूरथला नहीं होगा, सॉरी, बेंगलोर। भारतीय रेल पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? बेंगलोर। रेलवे कोच फैक्ट्री कहेगा तब कपूरथला होता है। 41, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बांटे हुए हैं? भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं? तो 69, ऑप्शन डॉग। अगला सेट, एक नंबर, क्वेश्चन नंबर एक, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित? उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन डॉग। दो नंबर, भारत में जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष, ऑप्शन ए। 3 नंबर, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़, ऑप्शन ए। 4 नंबर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहले थी गोंड, अब हो गई भील। सबसे बड़ी जनजाति भील, ऑप्शन बी। 5 नंबर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%, ऑप्शन ए। 6 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। 7 नंबर, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? हिंदी, ऑप्शन बी। हिंदी के बाद बांग्ला। 8 नंबर, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,716.6 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य कहेगा तो 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन सी। 11 नंबर, भारत का मानक समय
भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? नैनी से, नैनी ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डुरंड रेखा ऑप्शन सी। इसका निर्धारण हुआ था 1884 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 ऑप्शन सी। 14, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लद्दाख ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील ऑप्शन बी। 16 नंबर, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से ऑप्शन बी। 17 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, कौन कौन? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 18 नंबर, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में, घोषणा हुआ था 11 में और बना था 1912 में ऑप्शन बी। 19 नंबर, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा ऑप्शन सी। 20 नंबर, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका ऑप्शन बी। 21 नंबर, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर यानी कि 876। 22 नंबर, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? 246 ऑप्शन बी। 23 नंबर, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लाडमेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? 1872 में। नियमित जनगणना कहेगा तो 1881, प्रथम नियमित 1881 और प्रथम बार हुआ था लाडमेयो के शासनकाल में 1872 ऑप्शन बी। 24 नंबर, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ ऑप्शन डॉग। 25 नंबर, भारत या श्रीलंका को अलग करती है पाक जलडमरू मार्ग और मनार की खाड़ी, ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन डॉग। 26 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? नेपाल, श्रीलंका और भूटान सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सम्मिलित है, कौन नहीं है? तो श्रीलंका। 27, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन ऑप्शन डॉग। 28 नंबर, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश। आदम के पुल गया तो भारत श्रीलंका, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश ऑप्शन डॉग। 29 नंबर, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतर कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अक्षांश ऑप्शन बी। 30 नंबर, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1912 में ऑप्शन सी। 31, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? 7वीं अनुसूची ऑप्शन सी। 32 नंबर, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? ऊपर बताए थे वहीं वाला क्वेश्चन, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? 1921 ऑप्शन बी। 1921। 34 नंबर, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73% ऑप्शन डॉग। 35, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को ऑप्शन ए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36,
जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, ऑप्शन डॉग। जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी, ऑप्शन डॉग। 37, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382, ऑप्शन बी। 38 नंबर, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी। निर्धारण हुआ था 1914 में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ, ऑप्शन ए। इसका निर्धारण हुआ था 1947। अगला क्वेश्चन 40, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन ए। 41 नंबर, भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? 943 महिलाएं, ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुष। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? तो 943 महिलाएं। 42 नंबर, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अगला सेट का एक नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय कहेगा तो 12756 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ध्रुवीय व्यास कहता है तो 12714 किलोमीटर, ये हो जाएगा ध्रुवीय। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12756 किलोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का मुख्य संगठक है? हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन ए। 6 नंबर, गॉड पार्टिकल कहलाता है? हिग्स बोसन, ऑप्शन ए। 7 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लमनितेयर, ऑप्शन बी। 8 नंबर, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? अभिनव तारा, ऑप्शन सी। 9 नंबर, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होता है? द्रव्यमान कहेगा था 1/81 भाग, यही भार कह देता है 1/6, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डॉग। भार कहेगा तो 1/6 और द्रव्यमान कह रहा है तो 1/81 होगा, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकट शुक्र, ऑप्शन बी। सूर्य कहता है तो बुध हो जाता है। 11 नंबर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर, ऑप्शन बी। 12 नंबर, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी। 13 नंबर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट में, ऑप्शन डॉग। 14, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकेंड में, ऑप्शन डॉग। 15 नंबर, ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? 13.7 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10^8 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी। 17, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ऑप्शन ए। 18 नंबर, दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रक है? पारसेक, ऑप्शन बी। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी। 20 नंबर, किसने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है? कॉपरनिकस।
सौर मंडल के खोज भी किए थे कोपरनिकस कब, तो 1540 में। 21 नंबर, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के चलते, परिक्रमण चलते। ऑप्शन बी, पृथ्वी का कहेगा दिन और रात कैसे होता है, तो परिभ्रमण चलते। ऑप्शन ए, परिभ्रमण से दिन और रात होगा और परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। 22 नंबर, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी। ऑप्शन डॉग। 23, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र। ऑप्शन सी। 24, पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि ऑप्शन बी, 23 सितंबर और 21 मार्च। 25, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन सी। 26 नंबर, तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का। ऑप्शन सी। 27, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। ऑप्शन डॉग। 28 नंबर, आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर? पीलाकार। ऑप्शन ए। 29, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग से, जीवाश्म में कहेगा तो कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन बी। 30 नंबर, बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध और शुक्र। ऑप्शन ए। 31, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। ऑप्शन बी। 32 नंबर, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को कहते हैं ऑप्शन ए। 33, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। अधिक दूरी 4 जुलाई को होती है जिसे कहते हैं उपसौर, और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है जिसे उपसौर कहते हैं। ऑप्शन बी। 34 नंबर, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। ऑप्शन ए। 35, भोर या सांझा का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र। ऑप्शन बी। 36, बौना ग्रह कहलाता है? प्लूटो, सेरेस और एरिस, सभी उपयुक्त, सभी। ऑप्शन डॉग। 37, सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा साइरस। ऑप्शन ए। 38, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? नाभिकीय सलयन। ऑप्शन बी। 39, सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। 40, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। ऑप्शन बी। 41, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटॉरस। ऑप्शन ए। 42, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है गोरे, और दो अक्षांश के रेखा के बीच की दूरी जोन बोला जाता है। 43, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का होता है, और सबसे छोटा उपग्रह कहेगा तो डीमोस होता है, जो कि मंगल ग्रह का। ऑप्शन ए। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होगा। ऑप्शन बी। 45, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। ऑप्शन ए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।